आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ अलाइड एंगल्स, और 3.3 एक्सरसाइज हम कवर करेंगे, और इसमें से भी आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ अलाइड एंगल्स? मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है कि एन एंगल इज सेट टू बी अलाइड टू एन एंगल एक्स इफ देयर सम आर डिफरेंस आइदर जीरो आर मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ये एक एंगल है और ये एंगल अलाइड होगा इफ टू एक्स देयर सम इज इक्वल टू जीरो आइदर मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। इन दोनों को ऐड करें क्या आता है? माइनस एक्स, और एक्स को ऐड करें जीरो, तो जो माइनस एक्स है ये अलाइड एंगल है एक्स का। सिमिलरली पाई बाई टू माइनस एक्स टू एक्स, इन दोनों को ऐड करें, पाई बाई टू माइनस एक्स और एक्स को, कितना आ जाएगा? पाई बाई टू। मैंने कहा एंगल जो है वो अलाइड एंगल वो होगा जो एक्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, यहाँ पे माइनस एक्स लिखा इसलिए मैंने एक्स लिखा, यहाँ पे अगर थीटा होगा यहाँ पे थीटा, या हम ये कहेंगे कि दो एंगल्स हैं इनका जो सम है, मतलब अगर ये एंगल इस एंगल के अलाइड है तो इन दोनों एंगल का सम या डिफरेंस ज़ीरो या पाई बाई टू के बराबर हो। टू पाई प्लस एक्स टू एक्स, क्या टू पाई प्लस एक्स एक्स का अलाइड एंगल है? डिफरेंस करो तो टू पाई आ जाएगा, और टू पाई जो है क्या वो पाई बाई टू का मल्टीपल नहीं है? कुछ फोर मल्टीपल कर दें, फोर पाई बाई टू कितना आता है? टू पाई। और ले लें कुछ, थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स और इज अलाइड टू एक्स, डिफरेंस करें थ्री पाई बाई टू, तो पाई बाई टू दैट इज थ्री मल्टीपल आ गया। और ले लें कोई, थ्री पाई बाई टू माइनस सिक्स अलाइड टू, तो ये जो सारे एंगल हैं दे आर अलाइड एंगल्स। तो हमने अलाइड एंगल को सॉल्व करना सीखना है कि हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इन्हें सॉल्व करने के लिए दो रूल हैं। ठीक है, तो चलो इसे नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। चलिए ध्यान से देखें कि हमने जो अलाइड एंगल्स हैं उनको सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने दो रूल लिखे हैं, रूल वन एंड रूल टू। पहले हम रूल वन की बात करते हैं। रूल वन में क्या है कि आपकी टी रेशियो चेंज नहीं होगी, और ऐसे कौन से अलाइड एंगल होंगे जिनके लिए टी रेशियो चेंज नहीं होगी? माइनस एक्स या 180 प्लस माइनस एक्स या 360 प्लस माइनस एक्स। और इसे अगर मैं रेडियन फॉर्म में लिखूं तो ये मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस माइनस एक्स, ये लिख सकता हूँ टू पाई प्लस माइनस एक्स। तो इस प्रकार के अगर आपको अलाइड एंगल आते हैं तो आपकी टी रेशियो चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल लेता हूँ, एक साइन 180 डिग्री प्लस एक्स, हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं 180 डिग्री प्लस एक्स, इसका क्या आंसर आएगा? 180 डिग्री जो है मैंने कहा टी रेशो नॉट चेंज्ड, तो जो साइन है वो आपका साइन ही रहेगा, नॉट चेंज का मीनिंग ये है। और यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसका ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है इसका,
कि आपने देखना है कि ये जो एंगल है, ये जो अलाइड एंगल है, ये कौन सी क्वाड्रेंट में है। हमने प्रीवियस लेक्चर में चार क्वाड्रेंट में ये जो टी रेशियो है, सिक्स टी रेशियो, इनके साइन हमने देखे थे कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सा साइन पॉजिटिव नेगेटिव है इन रेशियो के लिए। अब साइन 180 डिग्री प्लस एक्स, तो पहला हमारा पार्ट है कि क्या टी रेशियो चेंज होगी या नहीं होगी। तो नहीं हुई साइन का साइन, और यहाँ पे जो भी एंगल है एक्स वो आपका आंसर है। सेकेंड पार्ट इसका है कि अब ये चेक करना है कि ये जो अलाइड एंगल था ये कौन सी क्वाड्रेंट में है। तो 180 डिग्री प्लस एक्स, तो ये है 180 डिग्री, ये ज़ीरो, ये 180। तो 180 में कुछ भी ऐड करेंगे तो थर्ड में आएगा। थर्ड में साइन क्या होता है, सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। तो मेरे यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस। एक और ले लेते हैं, कॉट 360 माइनस एक्स। पहला स्टेप, क्या कॉट चेंज होगा, नहीं, 360 के कारण चेंज नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे कॉट और जो भी एंगल है यहाँ पे, माइनस प्लस को नहीं आपने देखना, जस्ट आपने यहाँ देखना क्या एंगल है, वो इसके साथ एंगल आएगा। सेकंड पार्ट है कि ये जो अलाइड एंगल है 360 माइनस एक्स, ये कौन सी क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। तो फोर्थ में कॉट क्या है, तो ये आंसर। एक और कोई ले लेते हैं, कॉस पाई माइनस एक्स। पहला स्टेप, क्या कॉस चेंज होगा, नहीं, एंगल कितना है। सेकंड पार्ट है कि ये पाई माइनस एक्स कौन सी क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में कॉस क्या है, दिस इज रूल नंबर वन। रूल नंबर टू क्या है, टी रेशियो चेंज्ड, इन अलाइड एंगल्स के लिए टी रेशियो चेंज हो जाएगी, और इसे आप रेडियन में लिख सकते हैं, पाई प्लस माइनस लिखा, पाई बाई टू प्लस माइनस लिखा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, क्या साइन जो टी रेशियो है चेंज होगी या नहीं होगी। तो पाई बाई टू को मैं बोल रहा हूँ कि चेंज होगी, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कोज में। एंगल जो भी यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा। अब सेकंड पार्ट कि ये जो एंगल है कौन सी क्वाड्रेंट में है, दो पार्ट है बोल रहा बार बार। फर्स्ट पार्ट, टी रेशियो चेंज होगी या नहीं होगी। सेकंड है कि ये जो एंगल है कौन सी क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो ये आंसर आ गया। हाँ, आपने जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी नाइन्थ की टेंथ में, किस में है, नाइन्थ में, टेंथ में, तो टीचर ने सिर्फ आपको यही बताया था कि साइन 90 माइनस एक्स कॉस थीटा होता है। टीचर ने आपको बोला कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यही बोला था आपको। अब आपको यहाँ पता चल गया कि ये आया कैसे है, वहाँ पे सिर्फ आपने याद किया था, यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये आंसर आया कैसे। कोई और ले लेते हैं, सेकंड 3π/2 प्लस एक्स, तो 3π/2 चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। सेकंड का cos सेकंड, एंगल क्या है बेटा, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, ये एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में है, बार बार आपको बता रहा हूँ, कहाँ चेक करना है, फोर्थ में। 3π/2 प्लस एक्स, फोर्थ, फोर्थ में सेकंड पॉजिटिव, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये तरीका है अलाइड एंगल्स को सॉल्व करने का, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ फार्मूले हैं, सम और डिफरेंस बोलते हैं उनको फार्मूले, तो फार्मूले ऑन सम एंड डिफरेंस के फार्मूले हैं, जिसमें कोई सी डी फार्मूले हैं, हम उसको सी डी फार्मूले बोलते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक मैंने वहाँ पे दे दिया है, आपने वहाँ पे वो फार्मूले जो हैं
उसके बारे में आपने याद कर लेना, पढ़ लेना अच्छी तरीके से। फिर उन फार्मूलों के बेस पे ही ये जो 3.3 एक्सरसाइज है बेस्ड है दो चीज़ों पे, एक ये रूल वन रूल टू जो हमने किया, दूसरा मतलब अलाइड एंगल्स प्लस फार्मूले ऑन सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, नोट कर लो सर। फिर आगे हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब हम इस जो हमने अभी फार्मूले किया उसके बेस पे हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है बेटा साइन 15 डिग्री की। तो आपको स्टैंडर्ड वैल्यू किसकी आती है, 30, 45, 60, 90 या 0 डिग्री। ठीक है, तो हमने 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको ऐसे कोई एंगल दो पता है जिनकी वैल्यू साइन में आपको पता है और जिनका प्लस या डिफरेंस 15 डिग्री हो, 45 और 30 डिग्री। 45 साइन 45 की वैल्यू आपको पता है या साइन 30 की वैल्यू पता है, और दूसरा ये है कि उनका डिफरेंस 50 डिग्री होता है। तो मैं जो साइन 15 डिग्री से मैं लिख सकता हूँ साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखें। अब हमने इसे सॉल्व करना है। तो मैंने कहा कि आपने जो टी रेशियो फाइंड करनी है वो अब हम करनी है सम ऑफ टू एंगल या डिफरेंस ऑफ टू एंगल। दिस इज डिफरेंस ऑफ टू एंगल, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स आ गया। अब इसके लिए आपको एक फार्मूला चाहिए, तो मैंने कहा कि आप वीडियो देखें, उसमें सारे फार्मूले अच्छी तरीके से मैंने बताए हैं कि कैसे याद करने हैं, वो भी मेथड आपको मैंने वहाँ पे बताए हैं। तो यहाँ मैंने फार्मूला लिखा है साइन एक्स माइनस वाई। तो ये जो 45 डिग्री है ये एक्स है, ये जो वाई है ये 30 डिग्री है। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉज वाई माइनस कोज एक्स इंटू साइन वाई। तो मैं यहाँ पे फिर क्या लिखूँ, पहले साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको इनकी वैल्यू पता है। सिंपली वैल्यू पुट करें, साइन 45 डिग्री 1 बाई रूट टू मल्टीप्लाई बाई कॉस 30 रूट 3 अपॉन टू माइनस कॉस 45 डिग्री 1 बाई रूट टू मल्टीप्लाई साइन 30। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं रूट 3 अपॉन टू रूट टू माइनस 1 अपॉन टू रूट टू और रूट 3 माइनस 1 अपॉन टू रूट टू। और फर्दर अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो आप रैशनलाइज कर लें रूट टू रूट टू से, और ये आ गया रूट 6 माइनस रूट टू डिवाइडेड बाई 4। तो दिस योर आंसर। ठीक है, तो समझ आया कि हमने ये जो सम के फार्मूले हैं कैसे करने हैं। तो सब मैंने वही फार्मूले लिखे जो अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाने जाना और उसमें जो यूज़ होने हैं। तो आपने ये सारे फार्मूले याद करने हैं, बिना फार्मूले अगर आपको नहीं आए तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आप कर पाएंगे। ठीक है, नोट कर लें। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, एग्जाम में आपको 1 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखो, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड इसको प्रूव करना राइट हैंड साइड। मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉसेकन स्क्वायर 7 पाई बाई 6 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। हाँ जी, देखो जी, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 की वैल्यू चाहिए। देखो एक चीज़ आपने ये भी नोट रखनी है कि जब हम यहाँ पे लिखा ना साइन स्क्वायर पाई बाई 6, इसका मीनिंग यही है। तो आपने सिंपली पहले साइन पाई बाई 6 की वैल्यू लेनी है। तो साइन पाई बाई 6 माने 30, तो साइन 30 की वैल्यू लेनी कितनी, और क्योंकि स्क्वायर है तो आपने इसका होल स्क्वायर कर देना है। आगे प्लस क्या कोसेकन स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, पर इसे हमें चेंज इसको पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अब यूज़ होगा आपका अलाइड एंगल। तो इसे मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखो जरा, कोसेकन स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 एज इट इज।
देखो ऐसा मैंने क्यों किया, जब भी हमने अलाइड एंगल को इस प्रकार के एंगल आते हैं तो उनको हमने इस ऐसे चेंज करना है, और हमने जब चेंज करना है तो हमारे दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि जो जिस नेक्स्ट वाला एंगल है ना वो एंगल आपने लेना है जिसकी वैल्यू आप जानते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। तो यहाँ पे मैंने पाई बाई सिक्स कर दिया, तो पाई बाई सिक्स कितना होता है 30, तो 30 वैल्यू आप ले सकते हैं, टी रेशो कोई भी आ जाएगी। तो और दूसरा इनको सॉल्व करके यही आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 × 1/4 प्लस कॉसिकन स्क्वेयर, आप चेक करें पाई से क्या ये टी रेशो चेंज होगी या नहीं होगी, नहीं। तो कॉसिकन स्क्वेयर लिख लिया मैंने, और एंगल क्या, अब फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड स्टेप क्या था कि ये जो एंगल है ये चेक करना है कौन सी क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। थर्ड में कॉसिकन क्या आता है, नेगेटिव आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ स्क्वेयर है तो नेगेटिव को इसने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे मल्टीप्लाई कॉस स्क्वेयर पाई बाई 3, दिस इज आप इसे कैंसिल कर दें 1/2 प्लस कॉसिकन पाई बाई 6 की वैल्यू दैट इज 30, कॉसिकन 30 मीन साइन 30, साइन 30 मीन 1/2, तो 2 का होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई कॉस पाई बाई 3 60, कॉस 60 कितना 1/2 और होल स्क्वेयर, ठीक है। यह आ गया 1/2 प्लस 4 × 1/4 ये कैंसल, कितना आ गया 1/2 प्लस 1 और ये कितना आ गया, और दिस इज योर राइट हैंड साइड, ठीक है। कोई डाउट है कहीं पे, कोई पॉइंट आपको लग रहा है, चलिए नोट करो फिर। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 16। अब मैं आपको क्वेश्चन जो करवाने जा रहा हूँ, ये दो फार्मूले लिखे मैंने, टोटल ये चार फार्मूले हैं, इनको हम सी डी फार्मूले के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सी डी इसलिए कि यहाँ पे एक्स और वाई की जगह हम सी और डी लिख देते हैं तो सी डी फार्मूले बोल देते हैं इनको। तो मैंने सिर्फ दो ही लिखे हैं, वैसे टोटल चार हैं यहाँ पे, तो दो यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं तो मैंने वही लिखे हैं। अब देखो, अब मैंने बार बार कहा कि फार्मूले के बिना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि अब हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे ये फार्मूला हमारे पास है साइन एक्स माइनस साइन वाई, दिस इज योर साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये देखो साइन एक्स माइनस, मतलब इस प्रकार के फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर देखिए कॉज एक्स माइनस कॉस वाई, तो कॉज एक्स माइनस कॉस वाई अगर आ जाता तो आप इसे ओपन करके ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये फार्मूले अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन्हीं चार फार्मूलों के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। तो फार्मूला हम अप्लाई करें, ये वाला फार्मूला कॉज एक्स माइनस कॉस वाई, दिस इज योर कॉज एक्स कॉस वाई, यहाँ पे जो एक्स है वो 9x है, जो वाई है वो क्या है 5x। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगा रहा हूँ न्यूमरेटर में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 × sin x + y, ये x है ये y, दोनों को ऐड कर दो 9x + 5x/2, ये इसके एंगल में है, मल्टीप्लाई अगेन साइन एक्स माइनस वाई 9x - 5x/2, और इस फार्मूले को हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। नीचे देखें 2 sin x - sin y, 2 cos x + y, तो x यहाँ पे क्या है 17x + 3x/2, ये एंगल में है याद रखना, आगे into sin 17x - 3x/2, ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। आगे सिंपल आपने सिंप्लीफाई करना है, 2 से 2 कैंसिल बेटा, और ऊपर देखिए साइन 9 + 5 = 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे इनटू मल्टीप्लाई साइन 9 में से 5 4 को 2 से करेंगे डिवाइडेड बाय 17 + 3 = 20, 20 को 2 से डिवाइड करें
और यहाँ पे 14 और 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, चार फंक्शन है, मल्टीप्लाई ऊपर दो मल्टीप्लाई नीचे दो मल्टीप्लाई, तो ये आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे माइनस था, मैंने फार्मूले में शायद यहाँ पे कॉस वाला फार्मूला यहाँ माइनस भी लगना है, ठीक है। तो ये अगर माइनस, यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया, लगाया हुआ है, तो माइनस साइन डिवाइडेड बाई, और यही राइट हैंड साइड है, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन ना, उसमें तीन फंक्शन दिए हुए, यहाँ पे दो हैं तीन है, तो तीन में आप क्या करेंगे, पहले दो के ऊपर लगाएंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको एक फंक्शन बढ़ना है, फिर वो दूसरे के साथ फिर अगेन दो बन जाएंगे और डबल क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नोट कर लो सर, क्वेश्चन नंबर 24, आपने प्रूव करना है कि कॉस 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं कॉस 4x, तो मैं कॉस 4x को लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 2x। मेरे पास एक फार्मूला है कॉस 2x का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और मेरे पास फार्मूला ये भी है कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, मेरे पास फार्मूला ये भी है कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब हमने देखना है कि इन तीनों में से कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अब देखो आप अपना आंसर चेक करें, आंसर क्या कह रहा है, 1 माइनस, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस, अगर मैं ये यूज़ करता हूँ तो ए माइनस 1 बाद में है, पर मुझे यहाँ पे 1 जो है वो प्लस वाला दिख रहा है, तो 1 माइनस वाला दिख रहा है, तो मैं ये वाला फार्मूला यहाँ पे, तो यहाँ पे आप फार्मूला लगाएं, 1 माइनस कॉस 2x है तो मेरे पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अब यहाँ पे कॉस 2 ऑफ 2x है तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एंगल कितना आ जाएगा। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग देखो ना, कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 ऑफ 2x है, मतलब जो x है वो 2x है, तो फिर मेरे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 2x है, तो मेरे पास आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x है। अगेन ये एक फिर अगेन फार्मूला है साइन 2x, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x, ये मल्टीप्लाई है, तीनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स, तो 1 माइनस 2 का 2, अब स्क्वेयर है तो मैं स्क्वेयर लिख देता हूँ, और अंदर आ गया साइन 2x, तो साइन 2x क्या है, 2 मल्टीप्लाई साइन एक्स मल्टीप्लाई, आप सॉल्व कर लें ब्रैकेट को, आपने ये होल स्क्वेयर है, 2 का स्क्वेयर आगे, और यहाँ पे कहीं a प्लस बी का होल स्क्वेयर मत लगा देना, ये तीनों मल्टीप्लाई में हैं, तो जस्ट आपका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये आ गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन तो बहुत हैं, तो मैंने हर एक जो फार्मूला अप्लाई उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन करवा दिए, तो आपने जो इसके सॉल्यूशन है वो सारा आपको लिंक में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपने पूरी तैयारी करनी है, ठीक है।